भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। कोरोना वायरस की दूसरी लहर से छत्तीसगढ़ भी अछूता नहीं है। छत्तीसगढ़ में लगातार तेजी से कोरोना वायरस संक्रमण के मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और इसका असर अब ये हो रहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने निर्णय लिया है कि रायपुर में 10 दिन का लॉकडाउन लगाया जाएगा। आपको हम यहाँ पे बता दें कि 9 अप्रैल से 19 अप्रैल तक ये लॉकडाउन लगाया जाएगा। आज ही ये फैसला आया है और शुक्रवार से यानी कि आने वाले शुक्रवार से यानी कि 9 अप्रैल से लॉकडाउन छत्तीसगढ़ के रायपुर में लगेगा। आपको बता दें ये लॉकडाउन पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। केवल जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं उनके अलावा सभी चीज़ें बंद रहेंगी। केवल दवाई की दुकानें, अस्पताल यही खुले रहेंगे। उसके अलावा सभी बाजार, दुकानें ये सब इस लॉकडाउन के दौरान 10 दिनों के लिए बंद रहेगा। आपको ये भी बता दें कि सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि ये लॉकडाउन पिछले लॉकडाउन से भी ज़्यादा सख्त रहेगा और इसीलिए प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि इस दौरान लॉकडाउन के तमाम नियमों का पालन करें, घर पर रहें, बाहर ना निकले, क्योंकि कोरोना संक्रमण के मामले छत्तीसगढ़ में लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। सभी को नमस्कार। 24 तारीख से लेके क्रमबद्ध तरीके से बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कुछ टाइमिंग रेस्ट्रिक्शन दो चार आदेश के माध्यम से जो किया गया था, उसके बावजूद भी संक्रमण प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और रोज यहाँ रायपुर में जो डेथ हो रही है वो भी चिंता के विषय बना हुआ है। इन सभी को ध्यान में रखते हुए रायपुर जिला अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र को दिनांक 9/4/2021 शाम 6 बजे से दिनांक 19/4/2021 सुबह 6 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है। उक्त अवधि में रायपुर जिले की सभी सीमाएं सील रहेगी। केवल मेडिकल दुकानों को अपने निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। आपको बता दें इससे पहले छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने तमाम मंत्रियों के साथ बैठक करी, जिसमें किस तरह से कोरोना वायरस के जो मामले बढ़ते जा रहे हैं इस संक्रमण को रोकने के ऊपर चर्चा की गई, इस पर मंथन किया गया, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को किस तरह से तेज करना चाहिए इसके ऊपर बातचीत की गई, साथ ही अस्पतालों में क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, बेड्स जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं कितने बेड्स अस्पतालों में बढ़ेंगे, ऑक्सीजन की कमी और वेंटिलेटर्स को लेकर तमाम तरह की बातें इस दौरान इस मीटिंग के दौरान की गई। और उसके बाद रायपुर में लॉकडाउन लगाने का फैसला यहाँ पर किया गया है। यहां पर यह भी बता दें कि इससे पहले दुर्ग में भी 9 दिन का लॉकडाउन 6 अप्रैल से यानी कि कल से ही लग चुका है, जो कि पूरे 9 दिन चलने वाला है। और जिस तरह से केसेस अब लगातार बढ़ते जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं सरकार भी सख्त रवैया अपना रही है। यह भी आपको यहां पर बता दें कि महाराष्ट्र के बाद छत्तीसगढ़ लगातार एक ऐसा राज्य बन रहा है जहां पर तेजी से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अगर पिछले 24 घंटों की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 9000 से भी ज़्यादा मामले कोविड-19 संक्रमण के आए हैं और अगर सिर्फ रायपुर की बात करें तो रायपुर में रोज़ाना 2500 के लगभग कोविड-19 के नए केसेस मिल रहे हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए अब सरकार सख्त रवैया अपना रही है और कोरोना महामारी से लड़ने के लिए रायपुर में एक बार फिर जो है लॉकडाउन लगाया गया है। एक बार फिर हम आपको बता दें कि ये लॉकडाउन 10 दिनों का लगाया गया है। शुक्रवार से लॉकडाउन शुरू होगा यानी कि 9 अप्रैल से और 19 अप्रैल तक ये लॉकडाउन चलेगा। यहाँ पर ये भी बता दें कि तमाम प्रोटोकॉल्स का यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि लोग जो हैं वो लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, घरों से ना निकले, बाजार भी बंद रहेंगे और केवल इमरजेंसी सर्विसेज और जो सरकारी कर्मचारी हैं जिनकी ड्यूटी लगी है केवल उन्हें ही आने जाने की अनुमति इस दौरान इस 10 दिन के लॉकडाउन के दौरान होगी। वहीं एक तरफ महाराष्ट्र में जहां केसेस बढ़ रहे हैं वहीं दूसरी तरफ अब छत्तीसगढ़ भी लगातार कोविड-19 के संक्रमणों का एपिसेंटर बनता जा रहा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।